चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हसई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, सीएमसी वेल्यूर यानी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्यूर, यह एक जाना पहचाना नाम है जिसको हर कोई जानता है और हर कोई स्टूडेंट का सपना होता है इसमें एमबीबीएस करने का। तो 2023 के लिए इसके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। इसमें एमबीबीएस के साथ साथ अदर कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। मैं आपको यहां पर बता दूं कि नीट के एग्जाम से पहले कुछ इंस्टीट्यूट या कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके रजिस्ट्रेशन पहले हो जाते हैं। हालांकि इनमें एडमिशन नीट स्कोर पर होता है, लेकिन एडमिशन के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं और नीट का रिजल्ट आने के बाद में बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करके काउंसलिंग करवाकर इसमें नीट मेरिट बेस पर एडमिशन दिया जाता है। तो इसके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है कब से कब तक के हैं, कौन सी लास्ट डेट रहेगी इसकी, कितनी सीट है, फीस क्या है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, इसके बारे में हम इसमें सारी चीजें कवर करेंगे। इसमें कट ऑफ वगैरह क्या रही थी प्रीवियस ईयर में, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार सीएमसी वेल्यूर की जो विशेषताएं हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। अगर रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की थर्ड रैंकिंग का ये कॉलेज आता है। प्राइवेट होने के बाद भी थर्ड रैंकिंग का कॉलेज है। इसकी जो फीस है फर्स्ट ईयर की 52,830 रुपीज। इसमें हॉस्टल फीस 10,000 मेंस के लिए है और वुमेन्स के लिए 8,000 रुपीज है। सेकेंड ईयर की जो इसकी फीस होती है वो 28,000, यानी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर की, फर्स्ट ईयर के बाद की जो इसमें फीस लगती है वो 28,000 के नियर बाय इसमें फीस लगती है। इसके बाद में इसमें 2 साल का बॉन्ड भी है। तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, सबसे पहले हम इंपोर्टेंट डेट्स कवर करेंगे, क्या क्या डेट्स है इसकी, कौन कौन सी डेट्स को क्या इवेंट होना है वो कवर करेंगे। सीट मैट्रिक्स क्या है, कट ऑफ प्रीवियस ईयर में क्या रही थी, इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसमें एमबीबीएस के अलावा और कौन कौन से कोर्सेज हैं, और सर्विस बॉन्ड कितने साल का है, इसमें हम अप्लाई कैसे करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट देख लेते हैं। तो इसकी वेबसाइट है admissions.cmcvellore.ac.in, ये इसकी वेबसाइट है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये एडमिशन पेज है और एडमिशन की वेबसाइट अलग है, सीएमसी वेल्यूर की वेबसाइट अलग है और इसके जो एडमिशन का पेज है उसका जो लिंक है admissions.cmcvellore.ac.in है। अब इसमें जैसे ही इसकी वेबसाइट पर हम विजिट करेंगे यहां पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिए गए हैं इसमें। तो अगर हमने एमबीबीएस का एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, उसकी कंडीशन देखनी है, तो उसका हम प्रोस्पेक्ट डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा और सारे कोर्सेज हैं उनका अगर करेंगे तो समर एडमिशन बुलेटिन डाउनलोड करेंगे। इसमें बीएससी नर्सिंग कोर्स भी होता है, इसमें एक वेल्यूर कैंपस में होता है, दूसरा चित्तौड़ कैंपस में होता है। तो जो चित्तौड़ कैंपस में होता है उसके लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन अलग से होता है। इसमें बीएससी नर्सिंग व अदर कोर्सेज में 2 स्टेप का एग्जाम होता है। स्टेप 1 बीएससी नर्सिंग के लिए दोनों कैंपस के लिए एक ही होता है, स्टेप 2 अलग अलग डेट को होता है। तो इसके जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है चित्तौड़ कैंपस के और वेल्यूर कैंपस के अलग अलग है। तो सबसे पहले हम एमबीबीएस का इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके देख लेते हैं उसमें क्या क्या कंडीशनें हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्टेंट डेट्स देखते हैं। तो इंपोर्टेंट डेट्स देखें तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 1 मार्च 2023 से और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 3 अप्रैल 2023 रहेगी और इसमें 6 अप्रैल 2023 तक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। सारे कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स भेजने की जरूरत नहीं है, जो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं उनको डॉक्यूमेंट्स भेजने की आवश्यकता होती है। इसके 17 अप्रैल तक जो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं माइनॉरिटी नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन से। इसके बाद में जो आगे की कार्रवाई है इसको सबमिशन करना है। इसके बाद में एआर नंबर और इसमें तमिलनाडु मैनेजमेंट कोटा के लिए जो रैंक है वो करनी है, उसके लिए अलग से काउंसलिंग के लिए अलग से डेट इसमें आएगी, तो हम आपको उसमें इन्फॉर्म कर देंगे। फिलहाल यही है कि इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आपको इसकी वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। अब हम इसमें आगे देखते हैं नंबर ऑफ सीट्स, कितनी सीटें हैं इसमें। तो इसमें टोटल 100 सीटें हैं। जो सीएमसी वेल्यूर है इसके अंदर टोटल 100 सीट्स अवेलेबल हैं एमबीबीएस की। अब इस 100 सीट्स में
जो दो प्रकार की सीट्स में डिवाइड की गई हैं, एक तो 50% गवर्नमेंट सीट्स हैं और 50% मैनेजमेंट सीट्स हैं। तो सीएमसी वेल्यूर का सिलेक्शन प्रोसीजर था 2016 में वो अलग था, इससे पहले सीएमसी वेल्यूर का अलग से एग्जाम हुआ करता था। 2016 में जब नीट आया, नीट के बाद में इसमें यह किया गया कि 80% इसका नीट का सिलेबस होगा, 20% सीएमसी वेल्यू खुद एग्जाम लेगा। इसके बाद में 17-18 में फिर से इसमें टोटल जो प्रोसीजर था वो एडमिशन का प्रोसीजर वो पूरा नीट से कर दिया गया, सीएमसी वेल्यू का कोई अलग से एग्जाम नहीं हुआ करता था। उसके बाद में 2020 तक इसमें सीट मैट्रिक्स अलग हुआ करता था, ऑल इंडिया के लिए इसमें 10 सीट हुआ करती थी, ओपन सीट के लिए 21 में इसको प्रोसीजर को चेंज कर दिया गया, और 22 में फिर से प्रोसीजर चेंज करके सिर्फ 2 ही सीट रखी गई ओपन के लिए, और ये 23 में जो प्रोसीजर है वो 22 वाला ही प्रोसीजर सेम है। अब इसमें दो प्रकार की सीटें हैं, एक मैनेजमेंट के लिए सीट से और एक गवर्नमेंट कोटा के लिए। जो गवर्नमेंट कोटा की सीट है उसमें तमिलनाडु स्टेट के कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो तमिलनाडु डोमिसाइल के कैंडिडेट है वही तमिलनाडु के ही स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट सीट के लिए। अब इसमें 50% गवर्नमेंट सीट यानी 50 सीट रखी गई है तमिलनाडु स्टेट के लिए गवर्नमेंट कोटा के लिए। उसमें 20 सीटें हैं, 20 सीट तमिलनाडु स्टेट के क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए कोटा रखा गया है, और जो 30 सीट से वो सभी के लिए यानी तमिलनाडु स्टेट के सभी कैंडिडेट के लिए 30% कोटा रखा गया है। तो जो तमिलनाडु नेटिव के कैंडिडेट्स हैं वो 50 सीट्स पर इलिजिबल है गवर्नमेंट सीट पर। अब इसमें 50 सीट मैनेजमेंट सीट है, मैनेजमेंट सीट में ओपन की 2 सीटें, पहले 10 हुआ करती थी, ये अभी 2 सीट है सिर्फ। इन 2 सीट्स पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी स्टेट का हो, कोई भी हो, इन 2 सीट पर सीएमसी वेल्यूर में एडमिशन ले सकता है। इसके बाद में 38 सीट से वो माइनॉरिटी नेटवर्क की हैं, यानी कि सीएमसी वेल्यूर के जो मेंबर्स हैं, चर्चेज हैं, चर्च हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स होते हैं वो 38 सीट पर एडमिशन ले सकते हैं। जो ये चर्च हैं, ये चर्च की लिस्ट इसमें दे रखी है कौन कौन से चर्च हैं और वो सीएमसी वेल्यूर के मेंबर हैं, तो वो अपना सर्टिफिकेट बनवा के कोई भी कैंडिडेट जो माइनॉरिटी नेटवर्क से है यानी कि इन चर्च से स्पॉन्सर किया हुआ होना चाहिए, वो कैंडिडेट इन 38 सीट्स पर एडमिशन ले सकता है। बाकी जो सीएमसी वेल्यूर के स्टाफ के जो वार्ड से यानी कि जो सीएमसी वेल्यूर में सर्विस कर रहे हैं उनके जो बच्चे हैं उनके लिए 10 सीट रिजर्व रखी गई है इसमें। तो ये तो था इनका सीट मैट्रिक्स। अब हम इसमें बात करते हैं आगे, सीट मैट्रिक्स के बाद में हम बात करते हैं इसमें कट ऑफ की, कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो मैं आपको यहां पर ओपन कोटा की कट ऑफ बताने वाला हूं। ओपन का मतलब जिसमें ऑल इंडिया की 2 सीट है, ऑल इंडिया की 2 सीट है, उनकी अगर कट ऑफ की हम बात करें तो देखो ये 2022 की जो कट ऑफ रही थी वो 2 सीटों के लिए एक 675 वाले कैंडिडेट ने एडमिशन लिया था सीएमसी वेल्यूर में, और एक 671 वाले स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था, यानी कि कट ऑफ रही थी इसकी 671 2020 में। अभी 23 में भी इतनी ही कट ऑफ रह सकती है क्योंकि 2 ही सीटें हैं इस बार भी, इससे अबोव भी कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है। यानी कि अगर आप सीएमसी वेल्यूर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 670 से अबोव आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे तब आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं 2 सीट से। इसलिए तो ये कट ऑफ रह सकती है 23 की और ये कट ऑफ थी 22 की। अब कट ऑफ के बाद में इसमें इलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो इलिजिबिलिटी की जो नीट की इलिजिबिलिटी है वही सेम इसमें है, 17 ईयर्स सी है इसमें मिनिमम, एक्स मैक्सिमम एज कोई नहीं है। इसके बाद में 50 परसेंटाइल सी है इसमें नीट में स्कोर चाहिए। इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में 50% जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए चाहिए, और इसमें एमबीसी बीसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए 40% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। तो जो नीट की कंडीशन है वही कंडीशन इसमें है, वही इलिजिबिलिटी इसमें रखी गई है। अब इसमें बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो एप्लीकेशन प्रोसेस का मैं आपको सिंपल बता देता हूं। इसमें आपको अप्लाई करना है अभी सीएमसी वेल्यूर की वेबसाइट पर, जो मैंने बताया कैसे अप्लाई करना है ये मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो 1200 रुपए है, 1200 रुपीज है। इसमें रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपीज है, यानी कि अगर आप जैसे एमबीबीएस के लिए को अप्लाई करना चाहते हैं तो 500 रुपीज आपको अलग से देने पड़ेंगे,
और 1200 रुपए अलग से देने पड़ेंगे। इसके अलावा एमबीबीएस के अलावा 7 और कोर्स आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, जिनके लिए आपको पर कोर्स 500 रुपीज आपको पे करना होगा। तो ये है इसकी एप्लीकेशन फीस, ये आप 7 कोर्स के लिए यानी कि अप्लाई कर सकते हैं इसमें एमबीबीएस के साथ में। कौन कौन से कोर्स है ये मैं आपको आगे बताता हूं इसमें। तो ये इसकी हो गई एप्लीकेशन फीस। अभी आपको यहां पर अप्लाई करना है सीएमसी वैल्यू की वेबसाइट पर, और उसके बाद में अप्लाई करने के बाद में आपको तमिलनाडु स्टेट काउंसलिंग कमेटी जो की वेबसाइट है वहां पर भी आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा आपको एक इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, यानी कि जो तमिलनाडु स्टेट के अलावा बोर्ड से जो बच्चे पास होते हैं 12 जिन्होंने अलग बोर्ड से पास की है तमिलनाडु स्टेट के अलावा, या सीबीएसई बोर्ड से या सीआईएससी बोर्ड से हैं, तो उनके लिए इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत है। तो वो एनटीआर यूनिवर्सिटी से इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लिया जाता है। ये चैनल पर मैंने वीडियो डाल रखा है कि आपको तमिलनाडु स्टेट के लिए इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे लेना है। आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, एनटीआर की वेबसाइट पर जाएंगे, एनटीआर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाने के बाद में 1600 रुपीज पे करने के बाद आप वहां अप्लाई करेंगे इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए, और 2-3 दिन के अंदर अंदर आपके मेल पर इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आ जाता है। तो इस प्रकार से आप इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं इसमें। अब हम बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। मैनेजमेंट कोटा 50% के लिए जो गवर्नमेंट के लिए है वो तो तमिलनाडु का जब रजिस्ट्रेशन होगा तब कर सकते हैं, लेकिन जो 50% मैनेजमेंट कोटा है इसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसमें। तो मैं आपको सिलेक्शन प्रोसीजर आपको यहां बता देता हूं कि सबसे पहले आपको अभी सीएमसी वेल्यूर की वेबसाइट पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में रजिस्ट्रेशन फीस और जो एप्लीकेशन फीस है वो पे करने के बाद में कंफर्मेशन पेज यानी आपने प्रिंट आउट ले लेना है एप्लीकेशन का। उसके बाद में आपको नीट का एग्जाम देना है। नीट का एग्जाम लगने के बाद में जब नीट का रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट आने के बाद जो आपका स्कोर आएगा वो स्कोर आपको सीएमसी वैल्यू की वेबसाइट पर अपडेट करना है, यानी कि वो स्कोर अपडेट करना है सीएमसी वैल्यू की वेबसाइट पर दिए गए समय के अनुसार। रिजल्ट आने के बाद में सीएमसी वैल्यू की वेबसाइट पर एक टाइम दिया जाएगा कि आप अपना रिजल्ट अभी अपलोड कर सकते हैं, तो रिजल्ट में आपका जो स्कोर आता है वो आप सीएमसी वैल्यू की वेबसाइट पर अपलोड कर दें। इसके बाद तमिलनाडु स्टेट द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए जाएंगे एडमिशन के लिए, वहां पर आपको मैनेजमेंट कोटा के अंदर फिर अप्लाई करना है तमिलनाडु स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी में। वहां आपकी जो काउंसलिंग फीस है 1000 रुपीज आपने पे करना है, और वहां पर सीएमसी वैल्यूर के लिए मैनेजमेंट कोटा के तहत आपको वहां पर अप्लाई करना है। वहां पर आपको एआर नंबर मिलेंगे और रैंक मिलेगी, वो एआर नंबर और रैंक आपको फर्दर सीएमसी वैल्यूर की वेबसाइट पर जाकर के आपको अपडेट करनी है, वो वहां पर अपडेट करनी है। अपडेट करने के बाद में तमिलनाडु स्टेट काउंसलिंग कमेटी द्वारा काउंसलिंग करवाई जाएगी, वो ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई जाती है। उसका प्रोसीजर मैंने बता दिया है, अलग से एक वीडियो अपलोड कर रखा है, तो वह काउंसलिंग आपने करवानी है। समय पर मैं आपको बता भी दूंगा कि वो कैसे काउंसलिंग करवानी है। तो तमिलनाडु स्टेट में काउंसलिंग करवाने के बाद आपका सिलेक्शन अगर सीएमसी वेल्यूर में हो जाता है तो वहां से आपको अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा, और वो अलॉटमेंट लेटर लेकर के आपको सीएमसी वेल्यूर जाना है और वहां पर एडमिशन लेना है। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो एक तो अलॉटमेंट लेटर जो मैंने आपको बताया तमिलनाडु सिलेक्शन कमेटी द्वारा आपको दिया जाएगा। इसके बाद में आपको जो 10+2 की मार्कशीट है सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। इसके बाद में पास सर्टिफिकेट वही 10+2 का, इसके बाद में नीट का रिजल्ट, इसके बाद में आपका जो स्कूल का जो प्रिंसिपल का है जिसको स्टडी एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट कहा जाता है वो लेके जाना है आपने, करेक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं इसको। इसके बाद में आपने इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो मैंने बताया आपको एनटीआर यूनिवर्सिटी से लेना है वो आपके मेल में आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है आपके पास सही है, नहीं तो 10th का सर्टिफिकेट लेके जाइए, आप 10th की मार्कशीट में लिखा आता है। अगर आप कम्युनिटी सर्टिफिकेट में कम्युनिटी में आते हैं तो उसके सर्टिफिकेट ट्रांसफर यानी टीसी और माइग्रेशन, तो ये 4 आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज के कलर फोटोग्राफ लेकर के जाने हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो सीएमसी वेल्यूर में आपका हो जाएगा वहां। तो ये डॉक्यूमेंट्स रह गए, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर के जाने हैं, आपका सिलेक्शन होने के बाद में ही लेकर के जाने हैं। बाकी सारा ऑनलाइन ही होता है काउंसलिंग, तमिलनाडु स्टेट का भी काउंसलिंग ऑनलाइन ही होता है, इससे पहले आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में आपको जाना है। अब एक बार फीस की बात करें
देखो फीस, ट्यूशन फीस, इसके फर्स्ट ईयर की फीस है, ट्यूशन फीस 3,000 रुपीज है, वन टाइम कॉलेज फीस है एडमिशन 10,300 रुपीज है, अदर फीस है एनुअल की वो 25,105 रुपीज है, और वन टाइम पेमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी फीस है 14,425 है। तो फर्स्ट ईयर में जो फीस डिपॉजिट करनी है 52,830 रुपीज करनी है, लेकिन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में जो फीस देनी है वो आपको अदर एनुअल फीस 25,105 रुपीज और ट्यूशन फीस 3,000, यानी टोटल 28,105 रुपीज आपको अदर ईयर्स में फर्स्ट ईयर के अलावा देनी है। इसमें हॉस्टल के डिपॉजिट हैं वो मेन के लिए 10,000 है और वुमेन के लिए 8,000 है। जो लिविंग एक्सपेंस है वो पर मंथ 6,000 रुपीज है मेन के लिए और 6,000 रुपीज ही वुमेन के लिए है। तो ये होगी इसमें फीस की बात। अब इसमें अलग अलग जो माइनॉरिटी नेटवर्क में जो 38 सीट्स हैं, जिन कैंडिडेट्स ने सर्टिफिकेट लेना है वो इन सदस्य से सर्टिफिकेट ले सकते हैं, इसमें लिस्ट दी गई है। इसके बाद में अदर कोर्सेज के बारे में बात करें हम, तो ये तो होगी बात एमबीबीएस कोर्स के लिए। अगर आपने एमबीबीएस के साथ में अलग कोर्सेज में एडमिशन लेना है, यानी कि इनमें कोर्सेज को दो ग्रुप में बांटा गया है। एक है ग्रुप ए जिसमें सारे डिग्री कोर्सेज हैं, एमबीबीएस कोर्स है उसके साथ अदर कोर्सेज भी हैं, और एक ग्रुप बी है जिसमें डिप्लोमा कोर्सेज हैं। दोनों में, ग्रुप ए में एमबीबीएस के साथ 21 कोर्सेज हैं और ग्रुप बी में भी 21 कोर्सेज हैं इसमें। तो इसमें अगर आप एमबीबीएस के साथ साथ अदर कोर्सेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको समर एडमिशन बुलेटिन डाउनलोड करना है, इसके इसमें आप पूरी जानकारी ले लें और उसके बाद में इसमें एडमिशन लें। अगर आपने बीएससी नर्सिंग चित्तौड़ ग्रुप में लेना है तो उसका अलग से इंफॉर्मेशन बुलेटिन दे रखा है, तो आप इसमें ले सकते हैं। अब हम अदर कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो अदर कोर्सेज की जो डेट है वही डेट इसकी जो एमबीबीएस की थी वही है। तो एमबीबीएस का सिलेक्शन प्रोसीजर है वो नीट स्कोर पर होता है, ये हम सबको पता है, लेकिन जो बाकी अदर कोर्सेज हैं जैसे ग्रुप ए के कोर्सेज हैं, इनमें दो प्रकार के एग्जाम लगते हैं, स्टेप वन लगता है और स्टेप टू लगता है। ये ग्रुप ए के कोर्सेज हैं और ये ग्रुप बी के कोर्सेज हैं, इनके एग्जाम के अलग अलग डेट, सिलेक्शन की रिजल्ट की अलग अलग डेट यहाँ दिखाई गई है। अगर आप एमबीबीएस के अलावा अदर कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसमें ले सकते हैं। ये ग्रुप ए के 21 कोर्सेज हैं, एमबीबीएस कोर्स अलग है इसमें, इसके अलावा 21 कोर्सेज हैं, इनमें यहां पर सीट्स दी गई हैं, माइनॉरिटी नेटवर्क की सीट्स दी गई हैं, ड्यूरेशन दिया गया है कोर्स का, एडमिशन फीस दी गई है इसमें, एडमिशन के टाइम की फीस क्या है, अदर फीस क्या है, मैथ्स फीस क्या है, तो इसमें आप इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये ग्रुप ए के कोर्सेज हैं सारे के सारे, ये 21 कोर्सेज हैं जो ग्रुप ए के कोर्सेज हैं। इसी प्रकार के इसमें ग्रुप बी के कोर्सेज हैं जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, इसमें भी सेम सारी कंडीशनें दी गई हैं और ये भी 21 कोर्सेज हैं इसमें। अब इसमें हॉस्टल की और इसमें सारी AHS कोर्स की फीस दे रखी है वो आप यहां देख सकते हैं इसमें। अब इसमें देखें बॉन्ड का, तो इसमें 2 साल का बॉन्ड है, चाहे कैंडिडेट ऑल इंडिया से मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेता है या गवर्नमेंट कोटा से एडमिशन लेता है, एमबीबीएस कोर्स व अन्य ग्रुप ए के जो कोर्सेज हैं उनमें 2 साल के लिए सर्विस है, सर्विस बॉन्ड है इसमें, आपको 2 साल सर्विस करनी होगी इसके अंदर। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए मैंने आपको जो साइट बताई थी admissions.cmcvalue.ac.in पर विजिट करना है, एडमिशन पेज मिलेगा आपको। यहां पर आपको सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन होगा, यहां पर आप अपना नेम डालेंगे, नेम डालने के बाद में जेंडर डाल के, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में टिक करेंगे चेक बॉक्स पर और उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर और आपके ईमेल आईडी पर एप्लीकेशन नंबर आ जाएंगे। एप्लीकेशन नंबर आने के बाद फिर आपको साइन इन टू अप्लाई ऑब्लिक व्यू पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद में साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद में वो सारी फॉर्मेलिटीज आपको फिल करनी है जो अदर फॉर्म में फिल करते हैं, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, फीस का पेमेंट करना है और फीस का पेमेंट करने के बाद में आपने प्रिंट ले लेना है। तो इस प्रकार से ये सीएमसी वेल्यूर का एडमिशन प्रोसीजर है, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट इसकी मार्च तक रखी गई है, तो आप टाइम से अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो टाइम से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। हालांकि सीट सिर्फ 2 ही हैं, कट ऑफ काफी ज्यादा हाई रहती है, तो इसमें अगर आप इस रेंज में आते हैं, आप 700 मार्क्स से ऊपर या 680 से
ऊपर लाने की अगर आप आशा कर रहे हैं और सीएमसी वेल्यूर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले ही अप्लाई कर दें, बाद में मौका नहीं मिलेगा। एडमिशन प्रोसीजर एक बार फिर से बता देता हूं सीएमसी वेल्यूर का। सबसे पहले अभी आपको सीएमसी वेल्यूर की वेबसाइट पर अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसका प्रिंट लेना है, नीट का एग्जाम देना है, रिजल्ट आने के बाद में सीएमसी वेल्यूर की वेबसाइट पर स्कोर अपडेट करना है, इसके बाद में तमिलनाडु स्टेट कमेटी द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए जाएंगे, तो उसमें आपको मैनेजमेंट कोटा के अंडर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है सीएमसी वेल्यूर के लिए, और इसके बाद में वहां से आपको एआर नंबर मिलेंगे और जो आपकी रैंक होगी तमिलनाडु स्टेट की वो अपडेट करनी है सीएमसी वेल्यूर की वेबसाइट पर। उसके बाद में तमिलनाडु स्टेट कमेटी द्वारा काउंसलिंग करवाकर जैसे आपका अलॉटमेंट हो जाता है सीएमसी वेल्यूर के लिए, वो अलॉटमेंट लेटर के साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के सीएमसी वेल्यूर पहुंच जाना है, वहां खुशी से एमबीबीएस करना है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका स्कोर इतना आए कि आपका सीएमसी वेल्यूर में एडमिशन हो जाए। तो मिलते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर वीडियो फायदेमंद है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। आपसे फिर मुलाकात होगी इस प्रकार के ही वीडियो में। हमारे जितने भी सारे वीडियो होते हैं वो सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो होते हैं, फालतू की इसमें कोई किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है, कोई मिसलीडिंग नहीं होती है, हम किसी को मिसगाइड नहीं करते हैं। हमारा यही एम रहता है कि हर एक स्टूडेंट को सही गाइडेंस दी जाए ताकि उसका एडमिशन होके अच्छी कॉलेज मिल सके। हमारा व्यूज लेने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमारे को यहां तक एक सक्सेसफुल इंसान बना रखा है, तो हमें अभी इस जिंदगी से और भगवान से हम इतना ही दुआ कर रहे हैं कि जो मिल रहा है इसी प्रकार से मिलता रहे। बाकी ज्यादा हम किसी को मिसगाइड करके, किसी का नुकसान करके हम अपना फायदा नहीं करना चाहते, क्योंकि ईश्वर ने इसके लिए हमें कोई जरूरत ही नहीं छोड़ी है। मिलेंगे नई अपडेट के साथ में, नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।